तुर्की ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंजीनियर वकास नसीम ने भी सैनिटाइजिंग गेट अपनी मदद आपके तहत तैयार कर लिया है। देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसा ये गेट तैयार किया है जिसके अंदर से आप अगर गुजर जाएं तो आप मुमकिन तौर पर कोरोना के जितने भी जरासीम हैं उनसे महफूज हो जाते हैं, और इसके बारे में भाई वकास कसीम आपको तफसील बताएंगे। लेकिन ये मैंने इनसे पूछा है, सिर्फ 10 घंटों की मेहनत में 1,82,000 रुपये में ये गेट तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पाकिस्तान में पहला आगाज़ हुआ है हमारे शहर झंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब इंजीनियर वकास कसीम साहब की तरफ से, कि इसको सामने रखने के बाद 10 से 15 घंटे की मेहनत और 1,82,000 रुपये में अगर मसाजिद के बाहर इस तरह के गेट नसब कर दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो मसाजिद बंद होने की वजह से पूरे मुल्क में मजहबी तबके में एक बेचैनी का माहौल है, उसका एक रात में ही खात्मा हो सकता है। इसको सामने रखने के बाद हम कोशिश करेंगे पंजाब हुकूमत को और विफाक को ये बतला सकें कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग के सब इंजीनियर वकास कसीम की खिदमात हाजिर हैं, हमारी खिदमात हाजिर हैं, मसाजिद के लिए और दीगर अवामी इज्तिमाआत जहाँ होते हैं उनकी बेहतर अंदाज से हिकमत अमली मुरतब करने के लिए इसको किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज़ में आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ। तुर्की कोरोना वायरस तमाम दुनिया पर बाजी ले गया, गलियों मोहल्लों में अवाम की हिफाजत के लिए सैनिटाइजिंग गेट।